सो हेलो ऑल ऑफ यू, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डायरेक्ट मार्क्स और रैंक को बता दिया था, तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो गई कि अभी उनको क्योंकि रैंक के बारे में उतना आइडिया नहीं है, तो मैंने फिर से एक वीडियो तैयार किया है जिसमें मैंने परसेंटाइल भी बताई है, रैंक भी बताया है और मार्क्स भी बताइए कि एक अप्रोक्स आपको मैंने आइडिया दे दिया, क्योंकि आपको पता ही है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, आपके पास लास्ट चांस है अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंचने का, ठीक है। जो भी NIT के भरोसे बैठे हुए हैं या IIIT या CFTIs के भरोसे, IIT के, देखो कुछ मार्क्स है जो मैं मतलब एक ऐसा, ये जो है अगर आपके इतने आ चुके हैं प्रीवियस JEE मेन के एग्जाम में, तो यानी आपको कॉलेज मिलने जा रहा है, अब आपको बस अपना स्कोर इंप्रूव करना है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे एक मिनिमम टारगेट उनकी कैटेगरी के हिसाब से अगर वहां तक वो नहीं पहुंचे, तो उनको पहला ये टारगेट होना चाहिए कि उन्हें वहां तक पहुंचना है, क्योंकि ये आपको पास लास्ट मौका, क्योंकि लगातार ही है दोनों अटेम्प्ट, तो आपके पास ऐसा भी नहीं कि कोई ज्यादा गैप है, ठीक है ना। तो वो ही उसी के बारे में आज का वीडियो। देखो अगर आपको 99.5% यानी 6000 के करीब आपकी रैंक बनेगी, तो आपको 240 नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। 99% अगर आपकी चाहिए तो देखो 11000 रैंक और 190 नंबर के प्लस होने चाहिए, और अगर 98% क्रॉस करना है, यहाँ पे क्या है कंप्यूटर साइंस की तरफ आप रहते हो अच्छे NITs में, तो 22000 रैंक और 175 नंबर आपको क्रॉस करना है, ठीक है। 97% 33000 रैंक, 165 नंबर, फिर 155 नंबर पे 44000 के करीब करीब, फिर 96% 135 नंबर पे 55000 के करीब करीब रैंक, फिर 95% यहाँ तक, वही आप ये समझ लो कि जो प्योर जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उन्हें CFTIs यहाँ तक मिल जाते हैं, या तो NIT होम स्टेट या फिर मे बी IIIT या CFTI, ये सब मिल जाते हैं, ठीक है ना। 120 से 135 के बीच बीच तक मिल जाते हैं जो प्योर जनरल में होते हैं, उसके बाद जो EWS OBC में होते हैं ना, उन्हें लगभग यहां तक मिल जाता है, 100 नंबर 120 नंबर तक है ना उनका, तो वो OBC EWS में, तो उन्हें NIT IIIT CFTI, तो ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए, यहां तक पहुंचना है, 100 के करीब आपको नंबर लाने होंगे 300 में, ठीक है ना। क्योंकि ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो आपके पहले ही 93-94% आ चुके तो अच्छी बात है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़े कम नंबर पे ही इतने आ जाते थे, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गया है, सबकी तैयारी अच्छी होगी, जिनके आ गए हैं वो उन्हें तो बस इंप्रूव करना है, आगे बढ़ना है, जिनके नहीं आए उन्हें यहाँ तक पहुंचना है EWS OBC, ठीक है। उसके बाद देखो 92% पे लगभग 90 नंबर, 80 नंबर पे 91, फिर 75 प्लस है तो 90 के आसपास आप रहोगे, 110000 100000 रैंक क्रॉस कर जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप SC and ST के स्टूडेंट हो, तो आपको अगर कॉलेज चाहिए ना, तो इतना 2,20,000 तक SC को मिल जाता है जनरली NIT या CFTIs, तो उन्हें लगभग 40 से 45 नंबर लाना होगा, ठीक है। और जो ST में है वो 30 से 40 नंबर पे लगभग 2,50,000 के करीब, और उनको 75% लानी होगी, अगर इतनी उनकी पहले ही अटेम्प्ट्स में आ चुकी है, तो उन्हें इम्प्रूव करना है और अच्छे ब्रांच की तरफ बढ़ना है, ठीक है। जिनकी नहीं आई है, तो उनका पहला ये टारगेट होना चाहिए कि भाई वो यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा कि मार्क्स पे कितनी रैंक ऑलमोस्ट बनेगी, ये ऑलमोस्ट ही है, लेकिन परसेंटाइल लगभग इस बार इसी के आसपास रहने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोग को जो पूछना हो आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कमेंट करके पूछो, ठीक है, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना और वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगेगा। तो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।